मोनिका मेरे बंद, तो हम कह रहे थे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन का जरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से कुछ थोड़ी सी बस बातें रह गई थी तो उनको मैं जल्दी से करूँ। सबसे पहले तो ये कि वो पांच डिजीजेज तो मैंने आपको बता दी थी जो निमोकोनियोसिस में आती है। छठी होती है फार्मर्स लंग। फार्मर्स लंग आपकी होती है ग्रेन्स वगैरह की वजह से। ये जो फार्मर ज़्यादातर होते हैं ना, किसान होते हैं, उनको हो जाती है। तो वो आपकी कभी भी इस तरह से नहीं आती। सिर्फ ये कि अगर आपके पास आ जाए ना इनलिस्ट निमोको डिफाइन निमोकोनियोसिस और इनलिस्ट करें उसके जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं विद द पॉजिटिव एजेंट, ये भी क्वेश्चन आता होता है। तो आपने वो छः के छः डिजीजेज जो है विद द पॉजिटिव एजेंट के सिलिकॉन है, कोल है, कॉटन है, वो लिखना होता है बस, ठीक है। इसलिए फार्मर्स लंग को याद रखना, उसमें ग्रेन होता है। हम आगे करते हैं बात कि न्यूमोकोनियोसिस की प्रिवेंशन कैसे होगी। आपके पास हर सवाल जो न्यूमोकोनियोसिस से आता है, चाहे सिलिकोसिस से आए, चाहे एस्बेस्टोसिस से, उसमें वो हमेशा दूसरा पार्ट यही पूछते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज। सारी की सारी जो कोई भी डिसऑर्डर रहेगा तो सबकी प्रिवेंशन में आपने यही तीन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है मेडिकल मेजर्स। मेडिकल मेजर्स में आप अपने से लिखें कि कोई याद रखने रट्टा लगाने वाली बात नहीं है कि हमने रेगुलर मेडिकल चेकअप करने हैं, हेल्थ एजुकेशन देनी है लोगों को, और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, और वहाँ पर मेडिकली मतलब आपने उस हिसाब को चीज़ को डिज़ाइन इस तरह करना है कि उनकी हेल्थ पर प्रॉब्लम ना आए, और ये सारे मेडिकल मेजर्स हैं। इंजीनियरिंग मेजर्स में आपने कहना है कि वहाँ पर एग्जॉस्ट अच्छे होने चाहिए, वेंटिलेशन का सिलसिला होना चाहिए, जो गार्बेज और वेस्ट को फेंकने का वो तरीका अलग होना चाहिए, जो चीज़ इनहेल होने में ज़्यादा आ रही है उसमें फेस मास्क और शील्ड्स इस्तेमाल करनी चाहिए, जो इंजीनियर के काम होते हैं वो लिखने हैं। लेजिस्लेशन में आपने लिखना है कि लॉज का क्या होने चाहिए उस एरिया के लिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है और उनको फॉलो करना चाहिए कि वर्कर को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसकी फ्री मेडिकल चेकअप है होना है टाइम टू टाइम, और अगर वो बीमार होता है तो उसकी पूरी एक छुट्टी का टाइम होना चाहिए जो उसे मिले, और उसके साथ उसको पे भी मिले। तो ये सारे लॉस जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे यहाँ वर्कर्स की ये डिजीजेज जो है वो प्रिवेल करती रहेंगी, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा होगा तो वो काम करेंगे ना। अगर उन्हें पता है कि हमने बीमार ही होना है तो वो काम क्यों करेंगे, ठीक है। तो आपने किसी भी डिजीज़ की प्रिवेंशन में जो आप न्यूमोकोनियोसिस में आएंगी, आपने यही तीन पॉइंट्स लिखने हैं और इनमें अपने से चार पाँच पॉइंट्स बना के लिख देने हैं, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, खासतौर पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब आपको साफ साफ पता चल जाता है खुद ही कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर में। जानवर होते हैं तो सबसे पहले जानवर से डिजीजेज लग सकती हैं, वो हो गए जूनोटिक हैजर्ड। फिर उसके बाद क्या होती है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में धूप गर्मी बारिश में काम करना पड़ता है तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करना है। उसके बाद जो फसलें हैं उनसे कोई प्लांट की डिजीजेस भी लग सकती हैं। इसके अलावा फसलों पे जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं उनसे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह केमिकल हैजर्ड हो सकता है आपको, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पर मशीनें जो इस्तेमाल हो रही है ट्रैक्टर और वगैरह वगैरह, वो कभी खुदा ना खास्ता कोई आपको आग चीज़ आके लग जाए ऐसी, तो वो मैकेनिकल हैजर्ड होते हैं। तो ये सारे हैजर्ड्स हैं, खुद से भी सोच के बनाए जा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये न्यूमोकोनियोसिस प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। इसका टॉपिक जो बुक में लिखा हुआ है काफ़ी लंबा सा है, लेकिन उस पूरे टॉपिक में से कोई बात नहीं आती। आप बेशक एक नज़र रीड कर लेना, उसमें से जो बात सिर्फ वो पूछते हैं, वो आपसे कहते हैं कि जब किसी बंदे को काम पे रखना है तो काम पे रखने से पहले एक टाइम होता है जिसमें हम उसे करते हैं प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। तो बताएं वो क्या चीज़ है और उसमें क्या होता है। कभी कभी उसे पूछ लेते हैं कि काम पे रखने से पहले बंदे के साथ क्या किया जाता है। तो किसी बंदे को जब भी जॉब देनी होती है, किसी जगह रखना होता है, तो उसकी एक एग्जामिनेशन से उसे गुजरना पड़ता है, उसे हम कहते हैं प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। और उसके अंदर आपने तीन मेजर हेडिंग्स लिखनी है, ठीक है। उस पेशेंट की डिटेल मतलब उस बंदे की सॉरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री उसकी और उसकी फैमिली की, ताकि हमें पता चले कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो रन करें, और बंदे की हिस्ट्री इसलिए कि उसके पास्ट में कोई मेजर सर्जिकल या मेडिकल डिजीज़ तो नहीं हुई, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है तो हो सकता है वो अभी तक चल रही हो, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह। क्योंकि ऐसे बंदे जिनको पहली टीबी है वो किसी न्यूमोकोनियोसिस कि जो मतलब इंडस्ट्रीज है जहाँ न्यूमोकोनियोसिस हो सकती है, जैसे सिलिकॉन या फिर कॉटन इंडस्ट्री में काम करने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से टीबी है, तो हिस्ट्री है। दूसरे पॉइंट में आपने लिखना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपने पेशेंट की पूरी जीपीई करनी है, उसकी आई साइट विजन और उसकी मतलब जो आपकी जीपीई के पार्ट्स हैं वो सारे उसके होने चाहिए बिफोर प्लेसमेंट। और तीसरी है कुछ इन्वेस्टिगेशन, यानी आपकी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है कि ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरोलॉजी फॉर हेपेटाइटिस और एड्स, और उसके साथ साथ आपके कुछ और ऐसी एग्जामिनेशन LFTs या लिवर फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, वो सारे हो जाए ताकि रूल आउट हो कोई भी डिजीज़ नहीं है जो मेजर मेजर होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी सी बातें लिखती हैं जो मैंने बता दी, और ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा आता है, रिमेंबर, ठीक है। आखिरी आपका जो टॉपिक जो आपका क्वेश्चन आता है वो लेड पॉइजनिंग का सिनेरियो में वो आपको देते हैं, या तो वो आपको बता देंगे कि बंदे को थोड़े बहुत सिम्टम्स थे लाइक कफ है, स्प्यूटम, फ्लां फलाना, और उसके साथ जब हमने एग्जामिनेशन पे देखा
तो उसकी जो जॉ लाइन है उस पर एक ब्लू कलर की लाइन थी, ठीक है, जो आपके दांतों के ऊपर जॉ होता है ना वहाँ ब्लू लाइन बन जाती है, तो बताएं कि उससे क्या हुआ है, प्रिवेंट कैसे करेंगे, यही पूछते हैं वो। तो अगर ब्लू लाइन जॉज पे आएगी तब भी लेड पॉइजनिंग याद रखना है, और अगर वो आपको डायरेक्ट बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं किसी बैटरी बनाने की इंडस्ट्री में, ये हमेशा बैटरी की इंडस्ट्री से ही आती है लेड, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा चला जाना है लेड पॉइजनिंग पे, आपको कोई साइन सिम्टम नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बैटरी इंडस्ट्री इज लेड पॉइजनिंग, ये दो तरीकों से आता है सवाल, ठीक है। तो ये आपके इसका जवाब होता है। कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो लेड के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि आपसे एमसीक्यू भी आ सकते हैं तो एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है। इनऑर्गेनिक में तीन लिखे हुए बुक में याद करने हैं, लेड आर्सेनेट है, लेड कार्बोनेट एंड लेड ऑक्साइड, और ऑर्गेनिक में टेट्राइथाइल लेड, ऑर्गेनिक वाला आता होता है एमसीक्यू में याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लेड इज टेट्राइथाइल लेड, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ऑक्यूपेशन मैंने आपको बता दी, बैटरी इंडस्ट्री मेन है, उसके अलावा कुछ शिप इंडस्ट्रीज एंड और भी होती है जिनमें लेड इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बैटरी से ही मेनली ताल्लुक है। जो इसका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इनहेलेशन रूट से भी हो सकता है, इंजेशन से भी हो सकता है, और स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो तीनों तरह से ये अंदर बॉडी के चला जाता है। और इसका अच्छा, ये एक्शन इस तरह करता है कि ये मेनली ना आपके एंजाइम्स को इन्वॉल्व करते हैं और उन्हें ख़राब करते हैं बाय कंबाइनिंग विद द सल्फाइड्रिल ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है एंजाइम्स को उनके साथ ही कंबाइन कर जाता है और उनको ख़राब कर देते हैं, खासतौर पे आपकी जो पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। पोरफायरिन आपको पता है कि आयरन के हीम रिंग में कितना इंपॉर्टेंट है पोरफायरिन, ठीक है, जहाँ जो मतलब आयरन कंटेनिंग एरिया है वहाँ पर, इस वजह से आपकी बहुत सारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब होते हैं। और पेशेंट की जो क्लिनिकल पिक्चर है, याद रखना कि आपके पास जो साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे ना बैटरी इंडस्ट्री में काम करने के साथ, वो कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन होगी, जो आपको किसी और पूरी ऑक्यूपेशनल हेल्थ में नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, और ब्लू लाइन है ऑन द गम्स, ठीक है जी। ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोसिस के लिए आपने याद रखना है, ये आपसे कभी कभार पूछ सकते हैं कि क्या यह टेस्ट है, तो चार टेस्ट है, कोप्रोपोरफायरिन इन यूरिन, अमाइनोलेवलिनिक एसिड इन यूरिन, और लेड की अमाउंट यूरिन और ब्लड में, और आरबीसीज की स्टिपलिंग हो जाती है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये याद रखने वाली चार चीज़ें, ठीक है। इनको समझने का कोई खास इधर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इनको समझें इस जगह पे। आपने सिर्फ याद रखना है कि आपने दो चीज़ें जो है वो यूरिन में डिटेक्ट करनी है, कोप्रोपोरफायरिन, क्योंकि पोरफायरिन की टूट जाता है, अमाइनोलेवलिनिक एसिड यूरिन में चेक करना है, लेड की अमाउंट यूरिन और ब्लड दोनों में चेक करनी है, और आरबीसीज की शक्ल चेक करनी है कि बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो जाती है, इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर से जो हीम ग्रुप में पोरफायरिन है वो टूट जाता है, इसलिए उनकी स्टिपलिंग हो जाती है। ये चार टेस्ट होते हैं। प्रिवेंशन आपसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और प्रिवेंटिव में ये सेम वही है कि आपने जो है या तो लेड को सब्सटीट्यूट कर दें, या फिर अगर रखना ही है तो आइसोलेट करके रखें, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, एग्जॉस्ट अच्छा होना चाहिए, वैक्यूम अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और लेड पॉइजनिंग को मैनेज करने का तरीका ये कि अगर अर्ली स्टेज पे है तो उसको अगर एक्सपोजर ख़त्म कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा बंदा, और अगर लेट स्टेज है तो फिर आपको उसका चिलेटर इस्तेमाल करना है, जो पेंसिलमीन होता है। यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है, अभी तक किसी को कोई मसला हुआ, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।